तो चलिए दोस्तों, इस तरह से लेटर हेड आप भी एमएस वर्ड में बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, कुछ नहीं करना आपको। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एमएस वर्ड खोल लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर लिया हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ मार्जिन है, मार्जिन में जाने के बाद यहाँ पर आपको नेरो को सेलेक्ट कर लेना है। नेरो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको साइज ले लेना है, जिस साइज में आपको प्रिंट करना है या बनाना है उसके हिसाब से बना। तो मैं A4 साइज पेपर में प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर बना दूंगा। यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटे करके देख लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह से छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल कहाँ जाना है, यहाँ पर इंसर्ट है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपके में अलग फॉर्मेट है तो अलग दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पर शेप देख लीजिए। जैसे शेप्स को क्लिक करूँगा और एक रेक्टेंगल शेप लेगा तो यहाँ पर रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर दूँगा इस तरह से, इस तरह से। और उसके बाद इसको एडजस्ट कर लूँगा इस तरह से, ये एडजस्ट हो गया, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद शेप फॉर्मेट में फिर से जाना है आपको, यहाँ पर एडिट पॉइंट है, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एडिट पॉइंट है। जैसे एडिट पॉइंट को क्लिक करेंगे आप इसको एडिट कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको पकड़ूंगा और ऊपर ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से, इस तरह से करने के बाद इसमें यहाँ पर आऊँगा और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से। और इसको मैं, ये देखिए, अब इसमें राइट क्लिक करूँगा और फिल कलर को एक अच्छा सा कलर ले लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाले कलर को। उसके बाद मैं इसका आउटर लाइन को भी इसी वाले कलर को ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा। ये कंट्रोल वी कर किया तो कॉपी जो किए थे वो पेस्ट हो गया। अब इसमें फिर राइट क्लिक करेंगे, फिल कलर चले जाएंगे, थोड़ा सा डार्क ले लेंगे इस तरह से, आउटर कलर को भी थोड़ा सा डार्क ले लेंगे इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे यहाँ पर लाएँगे और यहाँ पर ला करके उसके ऊपर में इस तरह से हम ड्रॉ रख देंगे ऊपर में, ये देख सकते हैं। अब फिर से हम कंट्रोल वी करेंगे, जो कॉपी किए थे फिर से वो आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें राइट क्लिक करेंगे, फिल कलर जाएंगे, लाइट एकदम डार्क कलर कर देंगे, यहाँ पर भी डार्क कलर कर देंगे और इसको पकड़ के ऊपर ला करके यहाँ पर रख देंगे इस तरह से। अब दोस्तों आप जैसे इसको पकड़ के करेंगे तो ये एक ही सिंगल होगा, तो इसको क्या करना है, हमको ग्रुपिंग करना है। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग क्या करेंगे, तीनों एक ही मर्ज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे और सभी को क्लिक करेंगे शिफ्ट बटन दबा करके। तो मैं यहाँ शिफ्ट बटन दबा दिया और माउस से राइट क्लिक करते जाऊँगा, एक हो गया और दूसरे वाले में आ करके राइट क्लिक करूँगा, दूसरा हो गया, तीसरे वाले में आ करके क्लिक करूँगा, तीसरा हो गया। ये देखिए तीनों हमारा क्लिक हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सेव फॉर्मेट में फिर से जाना है, यहाँ पर अरेंज करके ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रुप, तो ग्रुप को जैसे क्लिक करेंगी यहाँ पर आ जाएंगे तो ग्रुप। अब ये तीनों ग्रुप हो गया। अब इसको पकड़ के जैसे मैं ऊपर नीचे करूँगा तो ये तीनों हो गए एक साथ, ये आपस में ग्रुप बन गया इस तरह से। अब इसको क्या करना है, आपको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेना है। तो ये क्या हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर पकड़ूंगा और माउस से राउंड कर दूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा और इसको मैं पकड़ के यहाँ पर ला करके छोड़ दूंगा इस तरह से, इस तरह से छोड़ दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा इंसर्ट में फिर से। अब लोगों को हमको एक लोगो डिज़ाइन करना है तो लोगो के लिए क्या है, फिर से एक शेप ले लेंगे। अगर आपका लोगो राउंड है तो राउंड और रेक्टेंगल में तो रेक्टेंगल, तो मेरा क्या राउंड है तो राउंड ले लिया और यहाँ पर करके एक ड्रॉ कर दिया यहाँ पर इस तरह से। और इसमें राइट क्लिक करूँगा, फिल कलर को वाइट ले लूँगा और इसके आउटर साइड को भी वाइट ले लूँगा। अब इस तरह से आने के बाद मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट शेप में जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर फिल ले लूँगा और यहाँ पर पिक्चर आर टेक्स्ट को जैसे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर सोर्स इंसर्ट। तो यहाँ पर वर्क ऑफलाइन में जाऊंगा और यहाँ पर आप अपना लोगो रखें उसको जा करके यहाँ पर इंसर्ट, तो मैं यहाँ पर रखा हूँ इंसर्ट कर दूंगा। अब ये यहाँ पर आकर के इंसर्ट हो गया इस तरह से। अब इसको हम हटा देंगे। अब दोस्तों हमको क्या ना, यहाँ पर नेम चाहिए, अपने कंपनी का नाम या तो डिटेल पूरा लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ को क्लिक कर देंगे तो ये हो गया हमारा, आ गया इस तरह से। अगर आप इसमें अलग फॉर्मेट चाहते हैं, ये तो पहले से फॉर्मेटिंग है, तो अगर अलग चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जा कर के यहाँ का क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद आपको यहाँ पर आ कर के
इसको आप छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर साहू टेबल लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ इतना बड़ा कर देता हूँ और इसका कलर को मैं वाइट दे देता हूँ ताकि वहाँ उभरेगा। ये देखिए यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर आप अपने वेबसाइट है तो वेबसाइट को भी दे सकते हैं। अब इतना होने के बाद अब क्या है, लेटर हेड में आप यहाँ पर अपना वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल वही करना है। यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, एक शेप ले लेंगे, यहाँ पर जा कर के शेप को यहाँ आ कर के आप इस तरह से शेप कर लिए। अब राइट क्लिक करेंगे, इसमें फॉर्मेट शेप में जाएंगे, सेम वही चीज़ करना है, फिल में ले लेना है। फिल में यहाँ पर पिक्चर और टेक्सचर फिल में जाएंगे, जैसे करेंगे यहाँ पर आ जाएगा और ओके कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जा कर के उसको आपको जैसे करके इंसर्ट कर देंगे तो वही आ जाएगा, तो यहाँ पर वो आ गया। अब दोस्तों आपको ये बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो इसको हम ट्रांसपेरेंसी में कम करेंगे इसका, तो यहाँ पर घटाते जाएंगे। ये देखिए आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, तो मैं इतना ही रख लेता हूँ, थोड़ा सा और कर लेता हूँ। जितना कम रखेंगे उतना आप जो भी लेटर लिखेंगे वो दिखाई देगा। तो इस तरह से अब ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आकर के हम राइट क्लिक करेंगे और आउटर लाइन को क्या करेंगे, वाइट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आपका वाटर मार्क भी आ गया, तो आप इजी आसानी से इसको बना सकते हैं। अब इसको दोस्तों आपको अगर प्रिंट करना है या सेव करना चाहते हैं तो यहाँ फाइल में जाएंगे, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट आ करके, और यहाँ पर सेव एस में जा करके सेव एस भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जाऊँगा, आप जिस फॉर्मेट में पीडीएफ में करना चाहते हैं पीडीएफ में सेव कर सकता हूँ, या तो फिर दूसरा भी, और यहाँ आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन है आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर पीडीएफ करके सेव कर दिया,